She did not know that a terrible thing was happening that night. उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी. उसे यानी किसे, ग्रेस को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उस रात जो है एक खतरनाक चीज हुई है. That night a ship was wrecked upon the rocks. उस रात एक जहाज चट्टानों से टकरा कर तबाह हो गया था. ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश. और चूंकि उस रात तूफान जोर से था, हवाओं की आवाज़ से, तूफान की आवाज़ से ग्रेस को और उसके वालिदैन को उस जहाज के टकराने की आवाज़, वहाँ के लोगों के डूबने की आवाज़ सुनाई नहीं दी. द नॉइस ऑफ द विंड एंड द वेव्स वॉज टू लाउड. नॉइस आवाज, विंड हवाएं, वेव्स मौजे. उस रात तूफान जोरों से था तो हवा की आवाज़ और मौजों की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी, तेज थी. दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स. और उन्हें जो मीनारे नूर में जो निगरा था, उसकी फैमिली थी, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. बट लेकिन अ शिप कॉल्ड द फोर फारशीर हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे. लेकिन मीनारे नूर से तकरीबन एक मील के फासले पर एक जहाज, जिस जहाज का नाम फोर फारशीर था, वो चट्टानों से टकरा गई थी. फ्रॉम द लाइट हाउस, जो कि लाइट हाउस से मीनारे नूर से एक मील के फासले पर था. मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेयर ड्रॉन. जहाज टकराने की वजह से बहुत सारे पैसेंजर जो थे वो डूब गए थे. बट नाइन मेन एंड वुमेन वेयर एबल टू क्लाइम ऑन टू अ रॉक. लेकिन नौ आदमी और औरतें एक चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे. द विंड नियरली ब्लू देम इनटू द सी एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक्स. समंदर की तेज हवाएं उन्हें, जो तूफानी हवाएं थी, समंदर में फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह से उस चट्टान को चिपके हुए थे. इन द डिस्टेंस दे सॉ द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस. वो जो लोग चट्टान से चिपके हुए थे, उन्हें दूर कुछ फासले पर लाइट हाउस, जो मीनारे नूर था, उसकी रोशनी उजाला नजर आ रहा था. बट ऑफकोर्स दियर शाउट्स एंड स्क्रीम्स वेयर नॉट हर्ड. लेकिन उनकी चीख पुकार आह वहाँ पर उस मीनारे नूर पर सुनाई नहीं दे रही थी. क्यों सुनाई नहीं दे रही थी? क्योंकि उस रात जोर से तूफान हवा आंधी शुरू था. ऑल नाइट दे क्लंग देयर इन द स्टॉर्म. इसी तरह से वो तमाम नौ के नौ लोग रात भर उस चट्टान पर, उस चट्टान से चिपके रहे, और उन्होंने किसी तरह से पूरी रात वहाँ पर गुजारी.